क्या हो गया तुम्हें? पागल पागल तो नहीं हो गई? हाँ, पहले तो तुम थे ना पागल मेरे लिए। इतनी जल्दी अकल आ गई तुम्हें कि मेरी मोहब्बत और मेरा वजूद ही भूल गए। देखो परी, मैं अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। शादी होगी मेरी, दूसरी शादी, बिल्कुल बदल गया हूं। तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रख सकता मैं। शादी तो तुम्हारी पहले भी हुई थी, उस वक्त तो हमारे ताल्लुक में कोई फर्क नहीं आया था। अब ऐसा क्या हो गया है कि तुम्हें परी का ताल्लुक चुभने लगा है? क्या बीवी बहुत हसीन आ गई है या मैं अब ऐसी नहीं रही? वक्त एक सा नहीं रहता, मैं वैसा नहीं रहा, मैं ही बदल गया हूं। उस जमाने में मीटर घुमा हुआ था मेरा, अब मीटर ठीक हो गया, बात खत्म। मुझे तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना बस। मगर मेरा वक्त नहीं बदला, मेरा वक्त तुम पर ही रुका हुआ है। देखो परी, मैंने तुम्हें साफ साफ बोल दिया है, मैं अब तुमसे नहीं मिल सकता। हाँ, ये फैसला पहले मैं करती थी कि मुझे तुमसे मिलना है या नहीं, पर अब भी मैं ही करूंगी। और मुझे तुमसे मिलना है और तुम मुझसे मिलोगे, वरना मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। तुम चाहती क्या हो? मैं तुम्हें चाहती हूं। मेरा राशिद, वही राशिद जो मुझसे प्यार करता था, जिसके दिल में मैं थी और वो सिर्फ मेरा था। बस कर दो परी, वक्त वापस नहीं आता कभी भी, गुजर गया वो वक्त। अब मैं सिर्फ काम पे, काम से घर पे, घर से काम पे, बस। और तुम किसी और को लू बनाओ जाके, जैसे उसको बनाया हुआ था वो तुम्हारा नाकाम आशिक बशंदर आतिफ। कहां मर गया वो? अच्छा, तो दिल की बात जुबान पर आ ही गई। ये सारा गुस्सा आतिफ का है, मेरा जर्फ भी देखो। मैंने तो तुम्हारी बीवी का भी गुस्सा नहीं किया था, तुमने तो शादी की थी, मैं वो भी हंस कर सह गई थी। और तुम्हें मेरी जरा सी आतिफ की दोस्ती चुभने लगी। नहीं, वो मेरी जिंदगी में दफा हो गया है। सिर्फ तुम हो मेरी जिंदगी में। देखो परी, बस और दिल चलाने वाली बातें मत कर। ये मेरा नया एड्रेस है और तुम मुझसे मिलने आ रहे हो, वरना मैं आ जाऊंगी।